हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है सभी के मेरे की फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो गाइस। आज का वीडियो लाइफ अपडेट के प्रोफेशन के ऊपर होने वाला है। जी हां गाइस, आज मैं लॉगर प्रोफेशन के ऊपर मैं पूरा फुल डिटेल्स देने वाला हूं। बहुत से बंदे को कंफ्यूजन होती है कि लॉगर के क्या एबिलिटीज होती है, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्या एक्सक्लूसिव आइटम्स होते हैं जो कि सिर्फ लॉगर को ही मिलते हैं, हमको नहीं मिल पाते। तो वो सारी चीज के बारे में ए टू जेड डिस्कस करने वाला हूँ। लॉगर के हर एक एबिलिटीज के बारे में डीपली आप लोग को बताने वाला हूँ लेवल 70 तक। तो आप लोग बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखना और अपने मोटिव से मैं समझाया हूँ, अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से समझाया आप समझने की जो है कोशिश करना, ठीक है। और सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि लॉगर के जो रिसोर्सेज मिलते हैं कौन से मैप में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कितने परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। एंड इस प्रोफेशन को आप लोग को चेंज करने के लिए आप लोग को चाओ सिटी जाना पड़ेगा, जो रेवेनेंट के बेस होते हो 1.01 में, तो आप लोग को वहां पे जाना पड़ेगा। ये अगर आप लोग रेवेनेंट हो तो आप लोग को टाउन हॉल पे ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो गाइस, बिना वेस्ट ऑफ टाइम के वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। अगर उनको लॉगर प्रोफेशन के बारे में किसी तरह का कंफ्यूजन है गाइस, तो उनको ये सब खत्म हो जाए कंफ्यूजन। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते गाइस। वेलकम बैक टू माई वीडियो गाइस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस कि लॉगर का जो जो एबिलिटीज है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइलेंट फॉर इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग लॉगर वन में देखते हो, लॉगर वन में आप एक क्विक लॉगिंग का एक एबिलिटीज देखने को मिलती है। तो क्विक लॉगिंग में आप लोग को ये वाला मैक्स करना है, क्योंकि इसमें आप लोग को जो लॉगिंग स्पीड होगा वो आप लोग का 20% इंक्रीज कर देता है। तो आप लोग को ये लेवल 5 आप लोग को नेसेसरी है कि आप लोग को ये करना ही करना है। अगर लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 का तो यहाँ पे प्राइम वुड चांस मिलता है, जो नॉर्मल वुड होती है वो आप लोग का मिलने का चांसेस इंक्रीज कर देता है 12.5%। अगर आप लोग मैनर बनाना चाहते हो या फिर ये वुडन बोर्ड या फिर गन पाउडर ये सब बनाना चाहते हो, तो आप लोग को ये चीज को एबिलिटीज को कर सकते हो, वरना ये नेसेसरी नहीं है अगर आप लोग इसको रिसीव भी कर सकते हो। अगर सेकेंड नंबर बात करेगा तो यहाँ पे सेकेंडरी वुड क्रिएट चांस है, तो आप लोग को सेकेंडरी रिसोर्सेज जो भी आप लोग को वुड से मिलेगी वो यहाँ पे 10% इंक्रीज कर देता है। तो आप लोग को ये वाला चीज आप लोग को हर हाल में करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात करें तो आप लोग को ट्रेड सिटी में आप लोग को दिखा दूं कि अगर वुड वाले सेक्शन में ये जो भी रिसोर्सेज आप लोग देख रहे हो ये सेकेंडरी रिसोर्सेज के अंडर में आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी रिसोर्सेज के अंडर में वो सारी आइटम्स आती है जो कि आप लोग को दिखा दिया ट्रेड सिटी में। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे लॉगर 3 का प्रोफेशन से क्या, अब यहाँ पे लॉगर 3 मतलब लॉगर प्रोफेशन यहीं से स्टार्ट होता है। लॉगर 3 से जो ऊपर है वो तो उसके एबिलिटीज के नॉर्मल एबिलिटीज के बारे में, अब यहाँ पे लॉगर 3 का जो लॉगर 3 है लॉगर का प्रोफेशन आप लोग को यहीं से यूजफुल होगा और आप लोग को गोल्ड बार देने वाला है। तो अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे लॉगर 3 में यहाँ पे लेवल 4 का ट्री अगर आप लोग काटते हो तो यहाँ पे आप लोग को ब्रूड लीफ निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड यहाँ पे अगर 8 अगर गैदरिंग टीम से अगर ब्रूड लीफ बाय करते हो तो आप लोग को एक एक्स्ट्रा ब्रूड लीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का प्रोफेशन आप लोग को अपग्रेड करना ही है मैक्सिमम जितनी आप लोग के पास ये है स्किल पॉइंट वगैरह। तो अगर यहाँ पे लेवल 4 के रिसोर्सेज में अगर जाकर हम लोग देखें तो लेवल 4 के रिसोर्सेज में यहाँ पे बॉक्स में जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप लोग को दिखा दूँ तो यहाँ पे ब्रूड लीफ अवेलेबल है जो कि आप लोगों को लॉगर प्रोफेशन ही इसका एक्सक्लूसिव है। और ये मिस्का टाउन रिवर एरिया वुल्फ हंटिंग बेस एंड ब्लैक पर्ल एरिया में ये रिसोर्सेज देखने को मिलती है और इसको आप लोग कोई सी भी मैप से जाकर के गैदर कर सकते हो। एक्सक्लूसिव वुड जहाँ पे ज्यादा रहेगा आप लोग कोशिश करो कि वहीं पे जाकर के इसको गैदर करो, ठीक है। तो ये तो एक तरह का प्रोफेशन एबिलिटी हो गई गाइस। सेकंड नंबर पे अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो सेकेंडरी रिसोर्सेज है तो इसके बारे में तो मतलब बता दिया कि अगर 8 ब्रूडली बाय करोगे तो गैदरिंग टीम से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, हर 8 में। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बात करें यहाँ पे बॉक्स वुड आप लोग ये इसको अपग्रेड मत करना, वेस्ट है गाइस। आप लोगों को क्या करना, ये सिर्फ बॉक्स वुड नॉर्मल जो ग्रीन रिसोर्सेज है वुड का लेवल 4 के मैप में वही वाला परसेंटेज इंक्रीज करता है। और वैसे भी अगर आप लोग ब्रूडली के लिए गैदरिंग करने के लिए जाओगे तो बॉक्स वुड वैसे आप लोग का फुल हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली वो बहुत ज्यादा निकलती है तो उसपे आप लोग स्किल पॉइंट डॉलर वेस्ट मत करना, ठीक है। एंड अगर आप लोग चाहते हो ज्यादा निकले तो आप लोग लेवल 2 या लेवल 3 पे जा सकते हो, उतना कर सकते हो, ठीक है। बट इसको मैक्सिमम मत करना, इसका आप लोग को वेस्ट ऑफ स्किल पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे लेवल मतलब कि लेवल 4 के यहाँ पे जो लॉगर लेवल 4 है तो गाइस इसमें आप लोग को बर्च रूट यहाँ पे देखने को मिलती है। बर्च रूट आप लोग को सेंटा कॉनी में जो आप लोग ट्री काटते हो, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे 8 बर्च रूट अगर गैदरिंग टीम से बाय करते हो तो एक आप लोग को एक्स्ट्रा मिलता है। तो और यहाँ पे बर्च रूट का निकलने के चांसेस भी इंक्रीज करती है ये एबिलिटी।
तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लेवल 5 के रिसोर्सेज में जाकर के, तो बॉक्स में क्लिक करते थे यहाँ पे बर्च रूट यहाँ पे ऑप्शन में, एंड ये लॉगर का एक्सक्लूसिव आइटम है, लॉगर के अलावा ये किसी को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करिए किस किस मैपो में मिलता है, तो यहाँ पे ट्विंगवे सिटी, माउंट एप्रिएशन, लेजिन पोर्ट, सेंटा फोनी एंड रेडवुड टाउन, ये 5 मैपों में आप लोग को ये चीज देखने को मिलती है। तो ये 5 मैपों में, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सेंटा फोनी से इसको गेदर करें या फिर रेडवुड टाउन से गेदर करें, क्योंकि वहां पे एक्सक्लूसिव पेड़ ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेच रूट आप लोग को वहां से ज्यादा मिलेगी, तो इस एबिलिटीज को आप लोग को पूरा फुल कर देना है गाइस, क्योंकि कम टाइम में अगर ज्यादा गेदर करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। और उसके सेकंड नंबर पे आते हैं गाइस यहां पे सेडार लिफ्ट का आप लोग डीपली समझना कि अगर आप लोग इसको अपग्रेड करते हो तो लेवल 5 के ट्री अगर आप लोग काटते हो तो 20% चांस रहता है ऑकवुड मिलने का, ठीक है। और लेवल 6 का ट्री काटते हो तो 14% आप लोग को इंक्रीज कर देता है ये आप लोगों का जो सेडार लिफ है उसको लेने का, ठीक है। और अगर ऑकवुड हर 4 ऑकवुड में आप लोग को एक एक्स्ट्रा मिलेगा अगर गैदरिंग टीम से बाय करोगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। इस एबिलिटीज में 2 लेवल के ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है, एक तो आप लोग का ओल्ड ऑक मिलने वाला जो कि लेवल 5 में, और एक आप लोग का सेडार लीफ मिलने वाला जो कि लेवल 6 के ट्री में है, ठीक है। तो ये वाला एबिलिटी आप लोग को 2 लेवल के ट्रीज पे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी और भी डीपली मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हम लोग मतलब हर एबिलिटीज को देखते हैं, तो इसको आप लोग समझो, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि लेवल 5 के ट्री में ओल्ड ऑक एंड लेवल 6 के ट्री में सेडार लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच करके सबसे पहले लेवल 5 के रिसोर्सेज में जाते हैं, तो लेवल 5 के रिसोर्सेज में यहाँ पे ओल्ड ऑक जो बात हो रही थी ये इसकी बात हो रही थी, ठीक है। एंड ये आप लोग को सेम जो आप लोग का बर्च रूट वाला ये था उसी में मिलेगा मैप में। और उसके बाद यहाँ पे लेवल 6 के रिसोर्सेज में बात करें तो सेडार लीफ यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप लोगों को ये लॉरेंस बे, माउंट टाउन एंड स्वैम्प वाटर एंड माउंट स्वैम्प, ये 4 मैपों में ये रिसोर्सेज देखने को मिलती है। बट मैं रिकमेंड करूंगा माउंट स्वैम्प में, जब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव पेड़ अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर के इसको गेदर कर सकते हो। उसके बाद गाइस अगर बात करें यहाँ पे चाइनीज ननमू फर ननमू, ठीक है, चाइनीज फिर ननमू, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट आप लोग समझ जाओ, ठीक है। फिर ननमू, तो ननमू का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक एक्सक्लूसिव है कि ननमू आप लोग को सिर्फ गेदर से ही मिलेगा, गेदरिंग टीम से आप लोग इसको बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर लेवल 6 का ट्री अगर आप लोग यहाँ पे गेदर करते हो तो रेडवुड मिलने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। एंड जब ये लेवल 3 ये वाला जो टैलेंट लेवल 3 पे जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे ननमू भी देखने को मिलती है ज्यादा चांसेस, ठीक है। तो आप लोगों को इसको इंक्रीज कर लेना या फिर नहीं भी करोगे तो बहुत ज्यादा ननमू मिलती है, वेस्ट मत करना, ठीक है। तो इसके आगे मैं बता दूं यहाँ पे लिस्ट पे जा करके, तो स्विच करते हैं यहाँ पे लेवल 6 के रिसोर्सेज में, एंड देन यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हुई थी गाइस रेडवुड की, ठीक है, तो रेडवुड भी आप लोग, सेकंड नंबर पे यहाँ पे ननमू की बात होती है, यही 2 रिसोर्सेज है जो कि उस एबिलिटी से आप लोग का इंक्रीज होती है परसेंटेज ज्यादा निकलना, ठीक है। तो उस एबिलिटीज को अपने अकॉर्डिंग आप लोग इंक्रीज कर लेना अगर ननमू ज्यादा यूजफुल चाहते हो तो, क्योंकि ननमू ही एक ऐसा मतलब रिसोर्सेज जो कि आप लोग को सिर्फ गेदर से ही मिलेगा, आप लोग इसको कहीं से बाय नहीं कर सकते, मतलब कि गेदरिंग टीम से बाय नहीं कर सकते, ये सिर्फ ट्रेड सिटी एंड आप लोग को गेदर करने से मिलता है, और ये हर कोई प्लेयर को मिलता है, जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ लॉगर हो तभी मिलेगा। लॉगर के लिए सिर्फ ये सेडार लीफ है लेवल 6 के रिसोर्सेज में, जो कि उसका एक्सक्लूसिव आइटम है, सिर्फ उसी को मिलती है। अब बात करते हैं सेकंड एबिलिटीज का, जो कि लॉगिंग एक्सपर्ट का जो सेकंड एबिलिटीज है उसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पाइन सैपलिंग का यहाँ पे अनलॉक हो जाती है, जो कि टेक्स्ट बर्नटन से ब्रैडन से यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो पाइन सैपलिंग है, ठीक है, एंड इसको आप लोग को लेवल अप करने से आप लोग को ये निकलने के चांसेस ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। और इसको बाय करने के लिए आप लोग को सिंपल यहाँ पे अगर कोई कैंप में ज्वाइन हो तो आप लोग को बैंक के नीचे जाना पड़ेगा, बैंक के नीचे देख लेना यहाँ पे टेक्स्ट ब्रैंडन यहाँ पे खड़ा रहता है, ठीक है। तो इसे आप लोग को टॉक कर लेना, एंड ये आप लोग को पाइन सैपलिंग देगा, तो यहाँ से इसको आपको बाय कर लेना, सिर्फ ये लॉगर ही बाय कर सकता है, सिर्फ लॉगर के ही लिए रहेगा, उसके अलावा ये किसी के पास ही अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब कोई भी इसको बाय नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाय कर लेना है, अपने मैनर पे इसको उगा देना है, ठीक है, जो मैनर का गार्डन एरिया होता है वहाँ पे आप लोग को ग्रो कर देना है, एंड यहाँ पे गेदर कर लेना है 1x1 करके, ठीक है। और इसको आप लोग ट्रेडिंग बाय मतलब सेल आउट कर सकते हो, इसके मतलब बिकने के जो चांसेस है बहुत कम है, लेकिन फिर भी बिकेंगे गाइस, आपको ऐसा नहीं होगा कि वेस्ट जाएगा, बट ये बहुत ही टाइम लेता है बिकने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा लॉगर वाले प्रोफेशन होंगे तो ज्यादा ट्रेड सिटी पे पाइन कोड अवेलेबल होगा, तो
सॉरी पाइनएप्पल अवेलेबल होगा, तो ये चीज है। तो आप लोग इसको ट्रेस्टनी में बाय मतलब कि प्लेस भी कर सकते हो एंड गोल्डबर्ग का मजे ले सकते हो, ठीक है। लॉगर का यही गाइज कि आप लोग सेकेंडरी रिसोर्सेज ज्यादा मिलती है एंड आप लोगों का जो एक्सक्लूसिव लॉगर के एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज बेच करके गोल्डबर्ग कमा सकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बात करते गाइज लॉगर लॉगर सीनियर लॉगर, शायद अभी सीनियर लॉगर आएगा, देख लेते कौन सा लॉगर नेक्स्ट में है। तो लॉगिंग एक्सपर्ट के बारे में बता दिया, अब एडवांस लॉगिंग एक्सपर्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि इसमें इलम बर्ग नाम का एक एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज है जो कि सिर्फ लॉगर को ही मिलती है और लेवल 7 के मैप पे ही मिल जाएगा। लेवल 7 के मैप में अगर आप लोग पेड़ को गेदर करते हो तो ये इलम बर्ग करके आप लोग को एक्सक्लूसिव आइटम देखने को मिलती है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल 7 के मैप में जाता हूँ, रिसोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे इलम बर्ग नाम का एक यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग को गेदर करना है गाइस। एंड ये सिर्फ लॉगर का एक्सक्लूसिव आइटम है, तो ये ट्रेड सिटी में अवेलेबल भी होता है एंड ये मैक्स प्राइस पे अवेलेबल होता है, मतलब कि आप लोग इसको बेच करके बहुत सारे गोल्ड बार पर डे के बेसिस पे आप लोग कमा सकते हो गाइस। तो सबसे पहले अगर बात करें ये कौन कौन से मैप में मिलता है, तो साइलेंट प्लान, बैरन वॉइड्स, डेसोलेट डिजर्ट एंड सैंड कैस्टल। मैं रिकमेंड करूंगा डेसोलेट डिजर्ट में आप लोग जाकर के इसको गेदर करना, क्योंकि वहां पे एक्सक्लूसिव पेड़ बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो लॉगर का एक्सक्लूसिव ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहाँ से आप लोग गेदर करना, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा आप लोग को एलम बर्ग देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें गाइस तो सारे प्रोफेशन जो है आप तो लेवल 70 तक ही, मैंने बात किया था कि लेवल 70 तक मैं बताऊंगा, क्योंकि उसके आगे तक मेरा अनलॉक नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। एंड अगर 11 सिटी के आईडी से एक्सप्लेन कर पाता तो मैं कर सकता था, बट उतना नेसेसरी नहीं है। चलो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अभी हम लोग बात करेंगे जो कोर टैलेंट है, कोर टैलेंट के ऊपर भी बात कर लेते कि कोर टैलेंट का क्या प्रोफेशन है, तो उस सब के बारे में भी हम लोग। और देखो गाइस लेवल 8 का, लेवल 9 का, लेवल 10 का ये सब रिसोर्सेज अभी अनलॉक नहीं हुआ, तो मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ, आगे की वीडियो में इसको कवर अप करूंगा जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता चला जाएगा, ठीक है। और लॉगर के ऊपर मैं पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ कि लॉगर का आप लोग कैसे कैसे परसेंटेज बढ़ा सकते हो, कौन सी मैप में कितनी जल्दी आप लोग गेदर कर सकते हो, वो सारी चीजें लॉगर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अभी हम लोग बात कर लेते गाइस जो कि कोर टैलेंट था, हर प्रोफेशन में कोर टैलेंट होती है, तो अभी मैं लॉगर की कोर टैलेंट के ऊपर मैं बात करूंगा, तो एबिलिटीज में जाऊंगा। एंड यहाँ पे कोर टैलेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर लेवल 5 के वुड जो काटते हो या फिर उसके बिलो जो काटते हो जो भी ट्री, तो 60% यहाँ पे सेकेंडरी रिसोर्सेज का इंक्रीज कर देता है, तो इसको आप लोग करना ही करना है। एंड सेकेंड नंबर बात करेंगे तो यहाँ पे बैटल ब्लेसिंग में आप लोग मॉन्स्टर को किल करते हो गाइस, तो 4% आप लोग को डैमेज बोनस देखने को मिलता है एंड इट डजंट वर्क इन डेथाई में, ये ब्लेसिंग काम नहीं करेगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो स्टेबिलिटीज को भी आप लोग अपग्रेड करते रहना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय सी यू गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।